क्या पीएम मोदी के हमलों से आसान होगी कांग्रेस की जीत की राहें? क्या गुजरात चुनाव में कांग्रेस पर हमला बीजेपी को पड़ेगा भारी? गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राज्य में अपने वनवास को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है और इसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस से मिल रही कड़ी टक्कर की वजह से बीजेपी ने भी अब उसके खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की माने तो बीजेपी का ये हमला कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। राजस्थान के पूर्व सीएम और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत के मुताबिक मोदी का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है और लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। गहलोत ने यहां तक कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम मोदी हम पर और हमले करें। हम चाहते हैं कि वो हमारे नेताओं की आलोचना करे, क्योंकि वो हम पर जितने प्रहार करेंगे हमें उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। बकौल गहलोत, बीजेपी को हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो चुनावी एजेंडे को अपने विकास मॉडल से भटकाने के लिए इस तरह के हमले कर रहे हैं। गहलोत के मुताबिक बीजेपी राहुल गांधी के धर्म को इसलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसलिए वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन इसकी कौन परवाह करता है? गुजरात की जनता हमारे साथ है और राहुल गांधी को लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम पर वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि पीएम का करिश्मा खत्म हो गया और इसकी झलक उनकी चुनावी रैलियों में भी देखने को मिल रही है। हालांकि अशोक गहलोत के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो 18 दिसंबर को ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।